अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि रिसेंटली पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं, अमेरिका में, यूके में और यूरोप में भी, इसको मैंने रिलेट किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना है, जिसके मुताबिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, रिसर्चर ये कहते हैं कि आने वाले 100 साल में तकरीबन 83 मिलियन लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएंगे इन सैलाबों की वजह से, एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से और ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से। जहाँ पे सर्दी होनी चाहिए वहाँ पे गर्मी होगी, जहाँ पे गर्मी होनी चाहिए वहाँ पे सर्दी होगी। दो ऐसी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया और मालवी, ये सफाए हस्ती से मिट जाएंगी। ये पूरी की पूरी दो कंट्री जो है वो समंदर के नीचे आ जाएंगी। ये रिसर्चर ये कह रहे हैं कि यानी आज से 50 साल बाद जो चीज़ें उन्होंने अपनी रिसर्च में बताई थी, वो चीज़ें कुछ जल्दी होना शुरू हो गई हैं। मतलब सैलाब आ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। यूके एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे वीक में तकरीबन 2-3 बार बारिश लाजमी होती है, चाहे जो भी मौसम हो। लेकिन इस साल यूके को खुश्क साली का नाम दिया गया है। यूके के काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल बारिश ना होने के बराबर हुई है जुलाई के महीने में और आनवर्ड। आज की जो वीडियो है, मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा कि एक आम आदमी, अब जिस तरह लेट से सैलाब आता है तो हर बंदा ये चाहता है कि जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद की जाए, उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाए, वहाँ पे जाके उनको खाना दिया जाए, उनको पैसे दिए जाएं, उनको रहने सहने के लिए सहूलतें दी जाएं। सेम इसी तरह आप ये समझें कि अगर ये जो 9 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन 9 पॉइंट्स में से कोई भी एक इकदाम करेंगे, कोई भी एक चीज़ भी करेंगे, तो वो ऐसे ही होगा कि जिस तरह से लेट्स से ये 83 मिलियन लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच करने वाले हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से, तो इस मौसमियाती तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए अगर आप इन 9 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट करेंगे, कोई भी कदम उठाएंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप इंसानियत की खिदमत करेंगे। और ये जो वीडियो है, ये मैं वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का एक पॉइंट ये भी है कि आपको इसके बारे में बोलना है, लोगों को बताना है, उनमें आगही मुहिम चलानी है, ताकि ये हो कि एक आम आदमी को भी पता चल सके कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या चीज़ें हैं जो फ़ायदा देंगी और आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो मुसीबतों और तकलीफ़ों से बचेंगी। ये जो 9 पॉइंट्स हैं, ये मैंने एक स्लाइड शो बनाया है, कुछ ही सेकंड का या लेस देन 1 मिनट का। हर एक पॉइंट की डिटेल्स भी साथ में दी गई हैं, अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसको पॉज करके हर एक पॉइंट के नीचे डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसको स्लाइड शो में इसलिए किया है कि इसके ऊपर अगर मैं बोलता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने आपके भी टाइम का ख्याल रखते हुए, अपने टाइम का भी ख्याल रखते हुए, इसको एक स्लाइड शो बना दिया है लेस देन 1 मिनट का। तो चलें आए देखते हैं इसे। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।